हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड आवर लेसन नंबर 13, इमोर्टल नेम्स इन हिस्ट्री स्टैंडर्ड 5th। लास्ट पीरियड इन पार्ट 1 वी वेयर डिस्कस अबाउट सोक्रेटिस। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अब्राहम लिंकन फ्रॉम पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। Abraham Lincoln was the 16th president of USA, United States of America, and served the office from 1861 to 1865. Student Abraham Lincoln जो थे वो USA का 16th president थे, 16वां president थे राष्ट्रपति, और उनकी working period कौन सी थी? 1861 to 1865. Born in 1809 इन केंटुकी यूएसए। वो कब जन्म हुए थे? 1809 में इन केंटुकी इन यूएसए। अब्राहम लिंकन वाज द सन ऑफ ए पुअर फार्मर। और स्टूडेंट्स देखिए, अब्राहम लिंकन जो थे वो एक गरीब किसान का लड़का थे, सन ऑफ ए पुअर फार्मर। हिज फादर कुड नॉट एफोर्ड टू एजुकेट लिंकन, और उनके पापा जो थे बेटा, उनकी पास इतनी पैसा नहीं थी, वो इतने रिच नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे कि लिंकन को एजुकेट कर सके। लिंकन हाउएवर अब्राहम लव रीडिंग एंड रीड एवरीथिंग ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन। बाकी अब्राहम लिंकन जो थे स्टूडेंट्स, ये अब्राहम लिंकन जो थे वो पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड थे कि उनके पास जो भी बुक्स, किताब वगैरह जो भी उनके हाथ में आता था वो उसको पढ़ लेते थे। ए सेल्फ टॉट मैन, ही सेल्फ टॉट मैन, यानी कि खुद को पढ़ना, खुद को सिखाना। अभी क्या स्टूडेंट्स, किसी को सीखना है, किसी को जानना है तो एक ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, बट ही इज ए सेल्फ टॉट मैन, खुद ही पढ़ा करें। ही बिकेम एक सक्सेसफुल लॉयर इन द स्टेट ऑफ इलिनॉइस। वो बाद में ये पढ़ाई करके वो एक सक्सेसफुल लॉयर यानी कि वकील बन गए थे। He gradually got involved in political matters and was elected to the House of Representatives in 1846. बाद में वो लॉयर होने के बाद वो पॉलिटिकल्स मैटर यानी कि राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए थे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से वो इलेक्टेड हुए थे 1846 में। इन दोज डेज द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर हैविंग प्रॉब्लम्स। उसी समय द नॉर्दर्न, उत्तर और साउदर्न, दक्षिण स्टेट, उत्तर और दक्षिण जो स्टेट थे अमेरिका में, वेयर हैविंग प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी। कौन सी उनकी प्रॉब्लम थी नॉर्दर्न और साउदर्न में? स्लेवरी यानी कि कित्तदास, यानी कि स्टूडेंट्स आदमी को बेच देते थे और परमानेंटली लेते थे, उनके पास रख के घर में काम करवाते थे, ये सब प्रॉब्लम थी। द वाइट फार्मर्स ऑफ द साउदर्न स्टेट वॉन्टेड द निग्रोस ब्लैक्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशन एज स्लेव्स। जो द वाइट फार्मर्स ऑफ द साउदर्न स्टेट, जो दक्षिण के स्टेट थे, वॉन्टेड द निग्रोस, निग्रो जो थे ब्लैक्स, उनका कलर ब्लैक होते, टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशन एज स्लेव, स्लेव के हिसाब से, नौकर के हिसाब से लेते। द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स ओपोज स्लेवरी एंड वॉन्टेड टू एबॉलिश इट। दक्षिण की अमेरिका में जितने भी थे वो क्या, स्लेवरी जो ट्रेडिशन चल रही थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। बाकी नॉर्दर्न की क्या है, जो उत्तर की साइड में थे वो लोग क्या करते थे, वो उसको अपोज करते थे, उसके विरुद्ध थे, एंड वांटेड टू एबॉलिश इट, और वो चाहते थे कि हमेशा के लिए स्लेवरी सिस्टम यानी कि जो कित्तदास सिस्टम है वो उठ जाए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द प्रेसिडेंट द इशू ऑफ स्लेवरी ट्रेगर ए सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ड्यूरिंग हिज टेनर ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के समय में जो 1861 से 1865 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे, उसी समय एक सिविल वॉर हुआ था यानी कि गृह युद्ध उनकी यूनाइटेड स्टेट में। द यूनिटी ऑफ द कंट्री वॉज इन डेंजर एंड इट वॉज द वर्स्ट क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। अब्राहम लिंकन एक्टेड विद द फेयरनेस एंड डिड नॉट अलाउ द यूनिटी टू ब्रेक। बाकी उसी समय जो सिविल वॉर हुआ था, उसी समय अब्राहम लिंकन बहुत हार्डली काम किए थे और देश का जो उनके अमेरिका का जो यूनिटी थी उसको तोड़ने नहीं दिए थे। द नॉर्दर्न स्टेट्स ओन द वॉर एंड सून आफ्टर
लिंकन एबलस लेवरी, और जो नॉर्दर्न यानी कि उत्तर साइड के जो स्टेट थे उन्होंने युद्ध में जीत लिया था। एंड उसके बाद तुरंत ही लिंकन ने स्लेवरी सिस्टम यानी कि जो कितने दस नौकर का सिस्टम था उसको हटा दिए थे। ऑल द स्लेव्स वेर गिवन देयर फ्रीडम, और जितने भी स्लेव्स जितने भी नौकर थे वो आज़ादी से जी सके वैसा फ्रीडम अब्राहम लिंकन ने दे दिया था। लिंकन वर्क हार्ड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, देश को एक साथ एकता में बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड लेबर किया था। हिज पॉपुलरिटी ओन हीम ए सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट, वो इतनी पॉपुलरिटी इनकी इतनी काम करने का स्टाइल जो इतनी फेमस हो गए थे तो उनको सेकेंड टर्म में भी प्रेसिडेंट के हिसाब से चुना गया था। हाउएवर द सेकेंड टर्म वॉज शॉर्ट लाइफ एज अब्राहम लिंकन वॉज असिस्टेड इन ए थिएटर इन 1865। हिज डेथ वॉज लिव्ड बाय ऑल हु बिलीव इन फ्रीडम, बाकी उन जो सेकेंड टर्म था वो बहुत कम था। 1865 में जब डेथ हुई थी हिज डेथ वॉज गिव बाय ऑल हु बिलीव इन फ्रीडम और एंड इक्वालिटी, जो उनको बहुत सम्मान दिए थे क्योंकि फ्रीडम उन्होंने स्लेवरी को दिया था और एकता पूरे देश के अंदर बना के रखा गया था। इन हीज एड्रेस टू द नेशन आफ्टर द एंड ऑफ द सिविल वॉर लिंकन सेड दैट ही वुड ऑलवेज अपहोल्ड डेमोक्रेसी एज इट रेस्पेक्टेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी, वो हमेशा डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र में ज़्यादा विश्वास करते थे। इन हीज वर्ड्स डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो डेमोक्रेसी में क्या सिस्टम थी वो इसमें बिलीव करते थे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि आदमियों की सरकार, बाय द पीपल यानी कि आदमी लोग ही उनको चुनते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड फॉर द पीपल और वो जो डेमोक्रेसी है वो जो भी होगा फॉर द पीपल यानी कि आदमियों के लिए ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट 3 वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्ल मार्क्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।